यहीं पे। और राइट, तो गाइस यहाँ पे सुबह हो चुकी है, अब अपन फटाफट से चलते हैं ओशन एक्सप्लोर करने। वैसे भाई मैप हाथ में ले लेता हूँ, मैप हाथ में ही रहना चाहिए अपने। हाँ तो मैप हाथ में ले लिया। अब अपने को कहाँ से जाना, अच्छा अपने को सीधे जाना ना, ओके यहाँ पे रखता हूँ मैं बोट इधर के साइड, ओके बस यहाँ पर निकल जाते हैं। चलो बढ़िया, तो गाइस यहाँ पे अपन बोट में बैठ गए। वैसे भाई ये बोट को ना कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, इसको कंट्रोल करते करते मैं मैप कैसे संभालूंगा यार। एक सेकेंड मैप हाथ में ले लेता हूँ, ये रहा मैप। हाँ चलो ठीक है, कहाँ जाना है भाई अपने को, अरे गलत जा रहा हूँ क्या मैं, अच्छा इस डायरेक्शन में जाना है, ओके लेकिन नहीं दिख रहा गाइस मुझे, नीचे की साइड कुछ दिखा है, कुछ तो दिखा, वो ये क्या। हाँ गाइस सामने, चलो भाई फाइनली मेरे को मॉन्यूमेंट दिख गया, वो दिख रहा। अरे एक सेकेंड रुकना, अरे मैं एरो दिखाता हूँ, ये जो सामने ये अपना मॉन्यूमेंट, बस अपन ये जो साइड में ब्लॉक दिख रहे हैं यहाँ पे पार कर देते अपनी बोट को। और वैसे गाइस अभी मुझे ये सोचना है कि मैं ये वाला ब्लॉक तोड़ के नीचे के साइड कैसे जाऊँ यार, मेरे को नीचे जाना है ये गार्डियन को मारने के लिए, लेकिन मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ अंदर के साइड, क्योंकि ये ब्लॉक नहीं टूट रहा है। मैं ब्लॉक तोड़ना चाहता हूँ लेकिन बार बार माइनिंग फटिक लग जाता है, और माइनिंग फटिक हटाने के लिए मैं दूध पीता हूँ तो दूध पीने के 2 सेकेंड बाद वापस से माइनिंग फटिक लग जाती है, यानी इनको मेरे को माइनिंग फटिक तो देनी देनी है, इसलिए मैं दूध नहीं पीने वाला, क्योंकि भाई पूरे ग्लास खत्म हो चुके हैं यार मेरे पास दूध के, अब मैं नहीं खत्म करने वाला दूध। तो अभी अपन एक काम करते हैं, नीचे वाले रास्ते से चलते हैं, ऊपर वाले रस्ते से नहीं जान दे रहा ना, कोई बात नहीं, अब अपन नीचे वाले रस्ते से जाएंगे। और वैसे एक सेकंड रुको, वापस ऊपर चलते हैं और एक लंबी सी सांस लेके वापस नीचे आएंगे। हाँ एक सांस ले लेता हूँ अच्छी सी, ओके ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ पे लंबी सी सांस ले ली, अब अपन एकदम खतरनाक वाली डुबकी मारेंगे, 1 2 3। चलो चलो गाइस फटाफट से अंदर चलना है, वो अपने को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो भाई वापस से मेरी सांस चली जाएगी। कहाँ से जाऊँ भाई मैं, रास्ता रास्ता कहाँ है, रास्ता कहाँ है अंदर जाने का, रास्ता इधर की साइड ही कहीं पे होगा। अरे कहाँ है, नीचे है क्या, नीचे है क्या, अरे गाइस यहाँ पे नीचे जाने का रास्ता ही नहीं है यार, भाई कैसे जाऊँ मैं अंदर यार, क्या है भाई, एक तो सांस कम है और रास्ता नहीं मिल रहा, ये रहा। चलो ठीक है ये रास्ता तो अपने को मिल गया, अब वापस ऊपर चलते हैं अपन और वापस से एक लंबी सांस लेके आते हैं, बस अपने को यही करना पड़ेगा, लंबी लंबी सांस लेनी पड़ेगी। और आपने बोला था रेस्पिरेशन 3 लगाओ, भाई लगा हुआ है रेस्पिरेशन 3, उसके बाद भी इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो बताओ क्या ही बोलूँ मैं। चलो कोई नहीं, वापस से अपन आ गए नीचे की साइड। अरे वैसे कौन मार रहा है, अबे यार ट्राइडेंट वाला जॉम्बी, ओहो ट्राइडेंट वाला जॉम्बी भी 12 बजा रहा है मेरी। और वैसे भाई यहाँ तो अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है, पागल बना दिया भाई ये माउंटेन ने, नहीं माउंटेन नहीं बोलते हैं इसको, मॉन्यूमेंट माउंटेन भाई, ये मॉन्यूमेंट ने पागल बना दिया। भाई रास्ता तो अभी भी नहीं दिख रहा मेरे को, अरे अंदर जाने का रास्ता कहाँ है भाई, ये मॉन्यूमेंट में अंदर जाने का रास्ता तो एक होता ही है ना। और वैसे कैसे ये रही गार्डियन, ये गार्डियन बाहर घूम रही है, काश ये रही गार्डियन, ये रही, इसको मारना इसको मारना, इसकी ऐसी की तैसी जरूर। अरे यार शेट भाई बहुत गंदा मार रही है, बहुत गंदा मार रही है, मैं ऊपर जाता हूँ क्योंकि ऑक्सीजन भी जरा सी बची है मेरी। ओके आ गया मैं ऊपर की साइड, और वैसे खास एक गार्डियन तो बाहर ही घूम रही है, इसको तो बाहर ही निपटा देता हूँ मैं। एक सेकंड को ये कैरेट खा लूँ मैं, ओके कैरेट खा लिए, अब अपन चलते हैं और गार्डियन को निपटा के आते। कहाँ गई गार्डियन, इनके साइड थी गार्डियन, गार्डियन गार्डियन भाई आज तो तेरी 12 बजा दूंगा। वो रही कैसे सामने ही है, इसको मारता हूँ और इसे घूम घूम के मारूंगा। ये ले कैसे एक शॉट मारा, एक शॉट मारा, भाग रही है भाग रही है, एक काम करता हूँ वो मारता हूँ उसको, ये ले दूसरा मारा और उसे वापस से माइनिंग फटिक दे दिया। कोई बात नहीं तेरी तो 12 ही बजा देनी मैंने, ये ले काश बहुत शॉट मारे मैंने उसको, अरे यार मिस हो गया। कोई नहीं उसको अपन शॉट से मारने की कोशिश करते हैं, रुक जा आज तो तेरी 12 बजा दूंगा। मार दिया काश मैंने, मार दिया काश मैंने गार्डियन को मार दिया, अरे भाई का जो बहुत जल्दी मार दिया। अब शायद तक माइनिंग फटिक हटी क्या, नहीं भाई नहीं हटी यार, ये क्या बदतमीजी है, अभी भी नहीं हटी भाई, ये क्या है। एक सेकेंड रुको, अब मैं दूध पी के देखता हूँ, अगर दूध पी लिया और ये चली गई और वापस नहीं लगी, अरे वापस से लग गई यार, मतलब भाई ये अंदर वाली को भी मानना ही पड़ेगा। चलो कोई नहीं, अब अपन अंदर जाने का रास्ता कहीं और से देखते हैं। वैसे ये ट्राइडेंट वाले को पहले निपटाता हूँ, परेशान करके रख दिया इसने, हैं कब से मारा जा रहा है बक साला, ट्राइडेंट वायरेंट देता नहीं है, बस आ जाता है उठ के। वैसे भाई मेरे को बस रास्ता ढूंढना अंदर जाने का, वैसे इधर की साइड ही है क्या रास्ता, मिल गया क्या गाइस, फाइनली मिल गया मेरे को रास्ता अंदर जाने का, हाँ यही है शायद तक, हाँ गाइस मेरे को फाइनली रास्ता मिल गया, ओके बस अपने को यहीं से अंदर जाना है। वैसे भाई मैं यहाँ से अंदर जाऊँ तो पहले लेकिन ऑक्सीजन लेके आता हूँ, बस बस अपने को अंदर जाना है। चलो 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 चलो, अब मेरे को अटकना नहीं है बीच में, अगर मैं अटक गया ना दिक्कत हो जाएगी। ओके ओके काश मैं अंदर आ गया, बस अंदर चलो अंदर चल, ओके बस मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट अंदर आ चुका हूँ, बस यहाँ पे अपने को स्पॉन्ज रूम ढूंढना है, एक बार स्पॉन्ज मिल गया ना तो ऑक्सीजन का आराम से काम कर दूंगा मैं, बस मेरे को स्पॉन्ज रूम चाहिए, स्पॉन्ज रूम स्पॉन्ज रूम, इधर है क्या ऊपर की साइड है क्या भाई, इधर मेरे को बस स्पॉन्ज रूम मिल जाए, अरे यार ऊपर जाने दे भाई प्लीज, इधर है क्या स्पॉन्ज रूम, ओके भाई 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 बहुत सही टाइम पे मिला भाई,
बहुत सही टाइम पे मिला, लेकिन नहीं 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 गैस, मेरी ऑक्सीजन ऑक्सीजन चली गई ऑलमोस्ट, ऑक्सीजन नहीं बची मेरी भाई। यहाँ पे अपने को सही टाइम पे वो भी मिल गया, पहुँच रूम। बस अपने को बाहर जाने का रास्ता देखना है, बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, इधर ही है ना। ओके ओके ओके, बाहर चलते हैं, एक सेकेंड वापस ऑक्सीजन लेके आते हैं। गैस मेरे को यहाँ पे स्पॉन्ज रूम का रास्ता मिल गया। अरे यार कौन मार रहा है, कौन मार कौन रहा है? अरे अच्छा वो ड्रोन, यार भाई ये ड्रोन तो ना मेरे को मार ही डालेंगे ऐसा लगता है। साला वो परेशान ही करते रहते हैं, ट्राइडेंट वाले तो पता है हरेस ही कर देते हैं मेरे को। एक सेकेंड रुको, इसकी 12 ही बजाऊंगा आज मैं। तुम पागल हो क्या, अक्कल है तुम? मैं गार्डियन को मार रहा हूँ, तुम क्या हो गार्डियन के सामने जो इधर आके लड़ रहे हो? चलो ट्राइडेंट देता नहीं है, बस लड़ने आ जाएगा पागल आदमी। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था गाइस कि अपने को अंदर जाना है ना, तो भाई अपन अंदर जाएंगे और क्या करेंगे, एक ब्लॉक तोड़ देंगे जिससे मैं ऑक्सीजन ले सकूँ। लेकिन पता है दिक्कत ये है कि मैं जैसे ही ब्लॉक तोड़ूंगा ना, मतलब जैसे ही मैं दूध पीऊँगा ब्लॉक तोड़ने के लिए, वैसे ही मेरे को ये माइनिंग पट्टी दे देगा। तो प्रॉब्लम ये, मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं माइनिंग पट्टी अपने को अगर नहीं चाहिए तो अपने को गार्डियन को मारना पड़ेगा, और गार्डियन इतना अंदर है कि अंदर अगर मैं अंदर चले गया ना तो वो सच्ची में मैं फंस जाऊंगा, मैं बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा। वैसे मेरे पास एक गोल्डन एनचांटेड एप्पल है तो सही, इसको खा लूंगा तो शायद तक मैं बच सकता हूँ। तो अपन एक काम करेंगे, सीधे गार्डियन के पास चले और उससे सीधे फाइट ले लें। अपन ये काम कर सकते हैं गाइस, सीधे उससे फाइट ले लेते हैं, जैसे ही वो मर जाएगी फिर अपने को छूट मिल जाएगी ब्लॉक तोड़ने की। तो अपन ये कर सकते हैं, तो भी अपन एक काम करते हैं, फटाफट से ऑक्सीजन पूरा ले लेते हैं और सीधा अंदर चलेंगे गार्डियन को मारने के लिए। बस अपने को गार्डियन को ढूंढना है कैसे भी करके, एक बार गार्डियन मिल गई ना उसको मार के अपन फिर पूरा ऑक्सीजन ले पाएंगे, ठीक है? तो भी अपने को गार्डियन को ढूंढना है, अपने को ब्लॉक करना पड़ेगा। यहाँ पर अपन एरिया ब्लॉक कर देते हैं कुछ, ठीक है? ये एरिया ब्लॉक कर देता हूँ, अब मैं एकदम दूध पीऊँगा और वैसे ही यहाँ पर अपन ब्लॉक तोड़ेंगे। टूट जा टूट जा, टूट गया गैस, फाइनली टूट गया। हो ऑक्सीजन, हो भाई क्या टाइमिंग पे ब्लॉक टूटा, अगर 1 सेकंड लेट हो जाता ना मेरा निपटारा हो जाता भाई, क्या बचाऊँ यार सच्ची में। मैं जैसी दूध पी रहा हूँ ना वैसी माइनिंग पे टिक लग जा रहा है भाई, गजब यार। 1 सेकंड, मेरे को गाजर खाने दो तो आज ही मेरी मौत पक्का फिक्स कर देंगे गैस। फाइनली यहाँ पे एक ब्लॉक टूट चुका है, मैं यहाँ से ऑक्सीजन तो ले ही सकता हूँ, बढ़िया। वैसे भाई मेरे पास टोटम है ना, हाँ चलो भाई टोटम तो है, यानी मैं बच तो सकता था, मरता तो नहीं मैं, लेकिन हाँ वही बात है कि मेरा दूध सारा ख़त्म हो चुका है, फिर मैं दूध पी नहीं पाता। चलो कोई नहीं, अभी अपन एक काम करते हैं, अपनी पूरी हेल्थ फुल करते हैं फिर यहाँ से जाएंगे, नहीं तो मैं ऐसे जाऊँगा नहीं भाई, अगर मैं ऐसे चले गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे भाई मान लो अगर मेरे को स्पॉन्ज रूम मिल भी गया तो क्या मतलब है उस स्पॉन्ज रूम का, क्योंकि अगर वो स्पॉन्ज रूम मिल भी गया तो मैं तोड़ ही नहीं पाऊंगा, माइनिंग पट्टी लगी हुई है, तो अपने को गार्डियन को ही मारना पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, एनचांटेड एप्पल लेते हैं अपने हाथों में, है ना? और कुछ लेना है क्या? और कुछ तो नहीं लेना, चलो ठीक है। एनचांटेड एप्पल ले लिया, ऑक्सीजन फुल हो जाए, हेल्थ भी फुल कर लेते, पहले 1 सेकंड रुक जाओ, हेल्थ फुल करके अपन सीधा जाएंगे गार्डियन को मारने के लिए। बस एक बार गार्डियन की लोकेशन भी पता चल जाए ना मज़ा आ जाएगा, लेकिन उसकी लोकेशन पता चलती नहीं है। वैसे 1 सेकंड, यहाँ पे अपन 2-3 ब्लॉक लगा देते हैं ताकि अपने को पता लगे कि यहीं पर अपन ने अपना ऑक्सीजन रूम बनाया। यहाँ पर अपन आएंगे और सीधा ऑक्सीजन ले लेंगे, एक ब्लॉक टूट गया ना बहुत बड़ी कृपा होगी अपने ऊपर। चलो ठीक है, अब अपन चलते हैं यहाँ से। पता नहीं कौन सा एरिया भाई ये, तो समझ ही नहीं आ रहा, ये तो देखा भी नहीं है मैंने आज तक, ये कौन सा एरिया आ गया अब भाई? ये वाला एरिया भी नहीं देखा मेरे को, तो बाहर के साइड जाना है। अब बाहर के साइड वाला एरिया है क्या यहाँ पे? काश यहाँ बाहर के साइड एरिया दिख रहा है मेरे को, हाँ ये बाहर वाला ही है शायद तक। हाँ यहाँ से मैं बाहर जा सकता हूँ क्या? बाहर जा सकता हूँ शायद तक, जा सकता हूँ मैं यहाँ पे। और वैसे गार्डियन मिल गई मेरे को, अरे भाई गजब, काश मेरे को यहाँ पे गार्डियन दिख गई। चलो इसको निपटा देते हैं हाथों हाथ, चलो चलो मारो 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 मारो, काश ये गार्डियन इसको मारते हुए। वैसे भाई मेरी हेल्थ जा रही है, ऑक्सीजन तो जा ही रही है तो अपने को इसको बस मारना है कैसे भी करके। टोटम भले ही चला है लेकिन इसको मार के रहेंगे आज। मर गई काश, फाइनली मर गई। अब मैं ब्लॉक तोड़ पाऊंगा क्या, ब्लॉक तोड़ पाऊंगा क्या? अरे 1 सेकेंड, ब्लॉक तोड़ना है मेरे को, अभी भी नहीं तोड़ पाऊंगा। अरे दूध ही नहीं है मेरे पास भाई, रुको एनचांटेड एप्पल खा लेता हूँ। ओह काश मैंने एनचांटेड एप्पल खा लिया, अबे रीजनरेशन कोई, अबे रीजनरेशन का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे को। 1 सेकंड को, बाहर चल, तो मैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? अब बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? बाहर जाना मेरे को, अरे भाई प्लीज़ बाहर जान दो दादा, मेरे में मर जाऊँगा। काश बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा मेरे को, मिल गया, हाँ हाँ यही वाला रास्ता था शायद तक बाहर जाने का। ओके फाइनली बाहर जाने का रास्ता मिल गया, अब मैं बच सकता हूँ, मेरा टू टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलो भले ही एनचांटेड एप्पल वेस्ट हो गया, टू टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि मेरे को लगता है एनचांटेड एप्पल से अच्छा मेरा टू टाइम है। तो अभी अपन वापस से चलते हैं। वैसे भाई कहाँ जगह है, अरे वो स्पॉन्ज वाली कहाँ, मतलब रास्ता कहाँ से है? इधर से ही है ना रास्ता,
हाँ ये रहा रास्ता, ओके। एंड भाई मेरे को तो पूरा रास्ता याद हो गया यार, मैंने इतनी बार देख लिया। वैसे मैंने वीडियोस में भी देखा था, लेकिन भाई भूल जाते हैं यार, ऐसे रियल में देखते तभी पता चलता है। वैसे ये वाला रास्ता था, ओके, इधर से ही चलना अपने को। और स्पॉन्ज वाला रास्ता तो शायद तक उधर की साइड, हाँ स्पॉन्ज वाला रास्ता तो पीछे की साइड था, इधर थोड़ी था स्पॉन्ज वाला, इधर के साइड ही कहीं होगा। ये रहा गाइस फाइनली अपने को यहाँ पे मिल गया स्पॉन्ज रूम। चलो बढ़िया, यहाँ पे स्पॉन्ज रूम तो मिल चुका अपने को। और वैसे गाइस मेरे को पता है बार बार माइनिंग फटीक लगे जा रही है, यानी इसका मतलब एक और गार्डियन होगी, और मुझे लग रहा है वो जो टॉप वाली है ना, सबसे ऊपर जो अपने को दिखी थी ना, वो ही होगी। तो अपन एक काम करते हैं, एक बार और ऑक्सीजन लेके सबसे टॉप वाले फ्लोर पे चलते हैं, वहाँ पे वो लास्ट वाली गार्डियन है ना, उसका भी निपटारा करते हुए। अरे ये रही भाई, गाइस ये रही, इसको निपटा दूँ क्या गाइस? इसको हाथों हाथ मार देता हूँ, मारो इसको, मारो 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 गाइस, ये मेरे को मार देगी ऐसा लग रहा है मेरे को। मारो 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 गाइस, मारना है बस इसको, इसी तरीके से मारना है। मर जाओ प्लीज़, मर जाओ गाइस, फाइनली मर गई। अब मैं तोड़ पाऊंगा शायद तक गाइस, अब मैं कोई भी ब्लॉक तोड़ पाऊंगा, बस मेरे को यहाँ पे एक आध ब्लॉक लगाना है। और एक सेकेंड को भाई, मेरे को ब्लॉक लगाना है, एक सेकेंड। अरे भाई, अरे रुक जा गाइस, मैं मरने वाला हूँ। क्या बच गया? ओ अरे नहीं बचा, अरे मैं ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा यार गाइस, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा मैं भाई, गया अब तो मैं। अरे बच्चा मेरा भाई, वो था मेरा वो वेस्ट हो गया यार, क्या बोलते हैं टू टाइम। और वैसे अभी भी मैं नहीं तोड़ पा रहा, क्योंकि अभी भी वो अपना माइनिंग पट्टी लगा हुआ है। भाई मैं सारी गार्डियन को मार के खुद मरने जा रहा हूँ गाइस, अनफॉर्चुनेटली मुझे मरना पड़ा। पता है मैंने गड़बड़ क्या कर दी थी, मैंने अपने आप को ब्लॉक कर दिया, और मुझे लगा था मेरे को सांस आ जाएगी, लेकिन मेरे को सांस ही नहीं आ रही थी। और माइनिंग पट्टी तो लगी गई थी, क्योंकि एक और वहाँ पे गार्डियन बचा है, यानी टोटल तीन गार्डियन वहाँ पे होते हैं। तीसरे गार्डियन ने मेरी हालत ख़राब कर दी, मैं वहाँ पे पैक हो गया था, इसलिए मैं मर गया। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे अपन बेड में वापस से आ चुके हैं। और वैसे वो जो तीसरा गार्डियन है ना, उसको मुझे लग रहा है मारने के लिए मुझे TNT लाना पड़ेगा। मैंने पहले सोचा था कि मैं TNT लेके जाऊंगा, फिर मैं सोचा मैं कहाँ गन पाउडर कलेक्ट करूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा मैं सोचा मैं अंदर से कोई सा रास्ता ढूंढ लूंगा जिससे मैं तीसरे गार्डियन को पकड़ लूँ। लेकिन मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं इतनी देर सांस रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं ऊपर जा ही नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ, मेरे को पता है एक एक आध क्रीपर को मार के उससे गन पाउडर लेना पड़ेगा, और एक TNT बनाना ही पड़ेगा, तभी जाके मैं वो गार्डियन को मार पाऊंगा, नहीं तो नहीं मार पाऊंगा। और वैसे भाई यहाँ तो रात हुई हुई है, तो मैं एक काम करता हूँ क्रीपर ढूंढ लेता हूँ। वैसे अभी क्रीपर नहीं मिलेंगे, ऐसे पता है क्रीपर दिखते रहते हैं, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को नीड है भाई, मेरे को जिस चीज़ की नीड होती है वो मिलेगी थोड़ी। ये तो भाई बहुत सालों की प्रथा है यार, ये प्रथा चेंज थोड़ी हो सकती है भाई। अब अपने को इधर से उधर बस भटकना पड़ेगा क्रीपर के लिए, कोई नहीं भाई भटकेंगे। इतनी देर से गार्डियन के लिए भटक रहे थे, अब अपन क्रीपर के लिए भटकेंगे। और वैसे भाई सामने दिख तो चुका है मेरे को, और वैसे हाँ रेड स्टोन भी चाहिए, अपन कुछ भी नहीं लेके आए, रेड स्टोन भी नहीं है मेरे पास। और वैसे आगे की साइड एक माइन तो है, वहाँ से अपन रेड स्टोन ले लेंगे, लेकिन अपने को बहुत अंदर जाना पड़ेगा भाई, बहुत टाइम वेस्ट होगा आज तो अपना। अच्छा भला मैं लेके आ जाता ना, दो कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे भाई सामने में कोई क्रीपर दिख तो रहा है, क्रीपर नहीं है, अच्छा अरे ये बागड़ बिल्ले हैं यार भाई, क्या बोलूँ इनको, क्रीपर नहीं था भाई, मेरे को लगा क्रीपर है वो, क्रीपर 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 भाई, क्रीपर तो इधर ही दिखते ना अधिकतर, आज क्रीपर ही नहीं मिल रहा। चलो मिल गया फाइनली मिल गया, इसको मारना पड़ेगा बो से, इसको धरूंगा मैं बो से। आ बेटा आ, तेरी ऐसी की तैसी आ, ठीक है। एक इस अपन ने इसको ऐसे मार दिया, ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पे इससे दो गन पाउडर ले लिए। वैसे TNT कितने में बनता है? क्राफ्टिंग टेबल, अरे यार क्राफ्टिंग टेबल बनानी पड़ेगी, फटाफट से एक क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं और देखते हैं कितने में बनता है भाई एक TNT, मतलब एक, हाँ TNT कितने में बनता है। क्राफ्टिंग टेबल बना लिया अपन ने, गन पाउडर यहाँ पे रख देते, क्राफ्टिंग टेबल डन, क्राफ्टिंग टेबल रख दी। अब चेक करूँ मैं TNT कैसे बनता है, पांच गैस, पांच गन पाउडर लगते हैं और चार सैंड लगती है ना। चलो बढ़िया, तो गैस अभी अपन एक काम करते हैं, सैंड तो ले ही लेंगे, सैंड बहुत है। अच्छा तीन तो ऑलरेडी है मेरे पास, तो अपने को बस एक आध क्रीपर और मारना है, उसके बाद अपना काम हो जाएगा। तो अभी अपन एक आध और क्रीपर ढूंढ लेते, क्रीपर 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 भाई, क्रीपर मिल जाए रेडी स्टोर तो मैं माइन करके ले आऊँगा। वैसे भाई स्पाइडर नहीं अलग मानेगी ना, नहीं मानेगी ना तो। और वैसे मिल गया काश, अपने को एक और मिल चुका है ये, इसको अपन मारेंगे बड़ी इज्जत से, मतलब तो इज्जत से क्या ही मारेंगे इसको, एक मार के भागना पड़ेगा। एक मारा भागा, अब मारता हूँ, ओहो फट जाता भाई, गजब भाई क्या किस्मत है। देखो मैंने उसको मारा तो उसने मेरे को गन पाउडर ही नहीं दिया, एक भी नहीं दिया।
और रेड गैस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे ऊपर बहुत सारे रेड स्टोन लेके आ चुका हूँ। और वैसे मेरे को मिल तो गए थे गन पाउडर, मैंने और भी कलेक्ट कर लिए थे, तो भी अपन फटाफट से ऊपर चलते हैं। यार एक तो मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ, ये पानी भी बार बार ऊपर डालना बहुत मुश्किल पड़ता है। इसको डालो, डल जा डल जा, अरे डल जा भाई, मैं गिर जाऊँगा बहुत नीचे तक के हुए ये। चल चल चल, ओके चल चल, चलने दो चलने दो चलने दो, अब चल जा, ओके बस, और बस ऑलमोस्ट पहुँच गया मैं, ऑलमोस्ट पहुँच गया ये। अच्छा मेरे पास दो वाटर बकेट है ना, ये डाल देता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे अपन गाइस ऊपर आ गए। बस अब यहाँ पे अपने को एक क्राफ्टिंग टेबल बनानी है। वैसे भाई जॉम्बी 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 जॉम्बी, आ हा, ये तो मेरे को कभी छोड़ेंगे ही नहीं ना, क्या ही बोलो अब इनको। कोई नहीं, यहाँ पे गाइस अपन एक वुड तोड़ ले, अरे यार एक वुड तोड़ना है मेरे को बस कैसे भी करके, ताकि मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बना लूँ, है ना। क्राफ्टिंग टेबल मेरी पीछे रह गई थी। अभी अपन सामने की साइड चलते हैं, वही वाले क्या बोलते हैं मॉन्यूमेंट की तरफ। वहाँ पे अपन एक काम करेंगे, एक TNT बना लेंगे, सैंड वगैरह अपने पास सब है, तो अभी अपन एक TNT बना के रेडस्टोन ब्लॉक बना लेंगे और वहाँ पे एक TNT फोड़ देंगे। बस अपना काम हो जाएगा, एक गार्डियन को निपटा के अपन ये मॉन्यूमेंट से जाएंगे। भाई मेरे को यहाँ से जाना है सारा, ना तो मैं स्पॉन्ज ले पाया ना तो मैं कुछ ले पाया, उल्टा मैंने अपना गोल्डन एन्चांटेड एप्पल और टोटेम वेस्ट कर दिया इनके चक्कर में। चलो कोई नहीं, अभी अपन यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल मिल गए मेरे को, यहाँ से बना लेते TNT। वैसे TNT के लिए एक और सैंड चाहिए भाई, सैंड का दिक्कत नहीं आना चाहिए भाई। भाई भाई अच्छा इधर ही है ना सैंड, तो मिल जाएगी। चलो ठीक है भाई, मैं इतना दूर नहीं जाता फिर, बता सच्ची में। वैसे यार टूट जाना भाई, यहाँ पे भी माइनिंग पट्टी लग गया क्या? हाँ नहीं लगा। चलो ठीक है, यहाँ पे अपने को सैंड मिल गई, बस अपन बना लेते एक TNT। अब बना दे भाई, चलो ठीक है फाइनली TNT बना दिया। अब बना लेते हैं मैं रेड स्टोन ब्लॉक, चलो बढ़िया। तो गाइस यहाँ पे अपने दोनों चीज़ें बना लिए, बस अब अपने को चलना है सीधा अपने मॉन्यूमेंट की तरफ। ओके तो गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, बस यहाँ पे अपने को TNT रखना है। और उसे भी यहाँ पे अपने ब्लॉक है ना, ये अपने को ब्लॉक कुछ सही तरीके से जमाने, उसके बाद ही अपन यहाँ पे TNT फोड़ पाएंगे, ऐसे नहीं फोड़ पाएंगे। और वैसे भाई अपन ने ये ब्लॉक गलत जमा दिया भाई, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है एकदम सही तरीके से होगा तभी हो पाएगा TNT ब्लास्ट। और वैसे एक सेकेंड, मैंने गड़बड़ करी क्या? नहीं 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 की है। यहाँ पे अपने को बस लगाना है एक TNT, इसके ऊपर रखेंगे अपन रेड स्टोन का ब्लॉक। ओके रख दिया, भागो 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 भागो, अब गैस यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा, हो जाए। ओके गैस ब्लास्ट हो चुका है, अब अपन अंदर जा सकते हैं और वो गार्डियन को निपटाना है अपने को। ये लास्ट वाली गार्डियन है ना, मारो 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 इसकी भैंस की, अरे मर भाई मर मर, अरे मार रही है यार, ऐसे कैसे मारेगी मेरे को, ऐसे कैसे, इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, मेरे को मारेगी, इतनी बड़ी हो गई। काश काश गंदा मार रही है, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं भी इसका पापा हूँ, इसकी तो ऐसी की जैसी। लो काश निपटा दिया अपन ने, उसे स्पॉन्ज ड्रॉप किया इसने। और भाई पर क्या क्या ड्रॉप किया इसने यहाँ पे, ये क्या है स्विजिंग टेम्पलेट, अरे ये तो मिलता ही रहता है। चलो बढ़िया, तो काश यहाँ पे आप देख सकते हो अपन ने सारी की सारी गार्डियन मार दी है ऑलमोस्ट, बस ये लास्ट वाला ये जो पानी फटी का इफेक्ट है ये एक बार चला है तो अपने को मज़ा आ जाएगा, फिर अपन स्पॉन्ज वगैरह उठा सकते हैं। तो अपन 4 मिनट का वेट कर लेते हैं कि ये हटे, उसके बाद ही अपन अंदर चलेंगे, क्योंकि अंदर जाने का मतलब ही नहीं है यार भाई, क्योंकि दूध है नहीं मेरे पास, वेट ही करना पड़ेगा अपने को। और रेड गैस तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए और यहाँ पे इफेक्ट जा चुका है, अब अपने को बस यहाँ पे लेके आना है बहुत सारे वो क्या स्पॉन्ज। तो अपन फटाफट वो स्पॉन्ज रूम ढूंढते हैं, इधर की साइड ही कहीं पे था ना, बस अपने को स्पॉन्ज रूम अब टाइम पे मिल जाए। और उसे कहा यहाँ पे गोल्ड ब्लॉक्स भी होंगे, अपने को भाई सबका सब लूट के लेके जाना, कुछ भी नहीं छोड़ना भाई यहाँ पे। हाँ बहुत परेशान किया है इन सब ने मेरे को, तो अभी अपन सब कुछ लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले यहाँ पे अपन। तो यहाँ पे बस अपने को वो मिल जाए स्पॉन्ज रूम, अरे भाई कहाँ है स्पॉन्ज रूम, ये रहा स्पॉन्ज रूम गाइस फाइनली मिल गया। फटाफट से स्पॉन्ज उठाते हैं भाई, फटाफट से सारे के सारे स्पॉन्ज उठाते हैं और सीधे घर चलते हैं भाई।